वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज माजदा, क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ती हो? एमए इकोनॉमिक्स, सेकंड ईयर। ओके जी, बहने हो? जी सिस्टर। कौन आप? बड़ी हैं जी। कितनी बड़ी हैं? 3 साल। कभी बहन ने मारा? क्यों मारती हो? शरारतें करती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं, आप भी तो बचपन में शरारतें करती होंगी, इसका मतलब ये तो नहीं आप मारें? रिमोट छीन लेती है तो फिर लड़ते हैं। आपने कभी मारा आगे से? गलत बात, बड़ी बहन है। चलो खैर, अपनी छोटी सिस्टर की एक अच्छी आदत बताओ। इसकी अच्छी आदत, हम लोग आपस में बहुत फ्रेंडली हैं, जहाँ बिना हम लोग मिल के वो उल्टे काम करने में बिना मिल जाती है साथ। और एक बुरी आदत? बुरी आदत जब आगे से लड़ती है। आप बताओ। मेरी इसकी अच्छी आदत, मेरी बात सुन लेती है जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है। और बुरी आदत यही है, मारती है। नज़र कैसे कमज़ोर हुई? वो बचपन से ही है। चलो मुझे बताओ, अगर हम लाल रंग के पत्थर को नीले पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो नीचे चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा। वो नीले रहेगा। डूबेगा तो सही, मगर होगा क्या? पानी में वो लहरें जो बनती है वो बन जाएंगी। कुछ भी नहीं होगा। पत्थर को क्या होगा? नीला रहेगा। रंग तो नीला रहेगा मगर पत्थर को कुछ तो होगा ना, क्या हो जाएगा? क्लैपिंग करो। क्या सुनाओगे? मैं शेर आपके लिए। अच्छा ये लें। गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हैं, जरा सा मुस्कुरा दें तो लाजवाब लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा। और आप? रेसिपी, रशियन सैलेड की रेसिपी बताऊंगी। पोटैटो को लेकर उसको क्यूब्स में काट के बॉयल कर लें, और चाइनीज़ कैरेट के लेकर उसको भी क्यूब्स में काट के बॉयल कर लें, और मटर लेकर 1 कप उसको भी बॉयल कर लें, और सेब लेकर उसको भी क्यूब्स में काट लें, मायोनीज़ और क्रीम लेकर उसको ब्लेंड कर लें हम इसमें, और 1 स्पून लेमन जूस का लेकर, और इन सब चीज़ों को अपन में मिक्स कर दें और रशियन सैलेड तैयार। ज़बरदस्त। आपने क्या बताया? चाइनीज़ क्या है? चाइनीज़ कैरेट। वो कौन सी होती है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर की होती है। फ़र्क होता है दोनों में? जी वो दूसरी जो होती है वो रेड होती है और वो ऑरेंज कलर की होती है। अच्छा, ज़्यादा जल्दी कौन सी नरम हो जाती है? चाइनीज़ वाली है। अच्छा, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक बहुत। हाँ ले लो, बहुत प्यारी बच्चियाँ थी। और जी उनकी बाल बड़ी लाजवाब थी, क्योंकि मुझे तो आज पता चला है कि एक कैरेट चाइनीज़ होती है, एक जो लोकल वाली होती है। और तो भाई आज के बाद मैं भी कहूँगी चाइनीज़ वाली कैरेट लेके आओ, ठीक है ना? हमें जो चीनियों को पकाते हैं किसी और से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? एहसन अली। आपका नाम? बीरा अहमद। अब बड़ी कौन सी क्लास? 1 में। आप क्या करते हैं? मैं पुलिस जॉब। क्या है आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर। वेरी नाइस। सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताएं, दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पे उगाया गया? इंडिया में। इंडिया में आएगा, इंडिया पे नहीं आएगा। मैं पूछूं कहाँ पे? अच्छा, कहाँ पे उगाया गया? तो जमीन पर ही उगाया गया। क्लैपिंग करो, हमने तालियां बजाएं अपने लिए, आप लोग भी बजाएं बच्चों। चले क्या शेयर करेंगे आप? मैं शेयर सुनाऊंगा। मुश्किल पई ते खुलियां अखां एवें ही भुल सी के यार बड़े ने। बस छोटा सा था। किसका ये शेर? ये बस ने तो कंप्यूटर से ही दिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू अब 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 सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। और आपने? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इन तीनों में सबसे ज्यादा लाडला कौन है? तीनों बच्चे लाडले हैं वैसे तो। बीरा माशाल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली है। और पेरेंट्स के लिए हमेशा ये डिफरेंस करना
मुश्किल हो जाता है कि कौन जो है वो ज़्यादा क्लोज है और कौन जो है वो नहीं है। ये कोई बुराई नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बच्चा प्यार खुद लेता है, बच्चों को अपनी हरकतों की वजह से जो है वो माँ बाप के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, राइट? किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? सफिया। इब्तिसाम। हादिया। मिशाल। कौन सी क्लास? 4-3-1। आप क्या करती हैं? मैं नथिंग। घर में होती हैं? हाँ जी। ओके, चले सवाल करूँ आप? जी। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती? बहुत सारी हैं, प्यार, नफरत। कम हो जाता है प्यार अगर आपको किसी को चीज़ पसंद ना आए तो? हो जाता है। नफरत भी हो जाती है किसी से, शुरू में ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती, वो चीज़ कभी कम नहीं होती, ख़त्म हो जाएगी मगर कम नहीं होगी। हवा। नहीं आ रहा देने। आप बताओ कौन सी क्लास में हो? वन में हो। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मैथ। बेटा सामने देखो। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ, उर्दू। सीरियसली? वाओ बेटा, उर्दू तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपका फेवरेट है तो, क्योंकि बच्चों को उर्दू आती नहीं है। आपको अलिफ बे आती है? जी आती है। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे हे दाल जाल रे से जिम चे हे हे दाल जाल डाल रे जे सीन शीन स्वाद स्वाद पाँ स्वाँ आइन वाइन फा काफ लाम काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा हमजा याया। नाइस। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ की थी, कंफ्यूज हो गई थी। क्या सुनाएंगे आप? मैं 100 तक काउंटिंग। ओके, माइक्रोफोन सामने। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. क्लैपिंग भाई के लिए, क्लैपिंग करें। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत मज़ा आया, हमने उनसे बात की। मज़ीद और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गजाला। क्या करती हैं आप? मैं जॉबियन हूँ। क्या करती हैं? जॉबियन हूँ। ओके, बच्चे का क्या नाम है? ईमान। ओके, चलो सवाल करूँ? हाँ जी। मुझे बताओ दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पर उगाया गया? सबसे पहला आलू, सॉरी, जमीन सोचो, जमीन पे उगाया गया था। क्लैपिंग करो अपने लिए। क्या सुनाऊंगी मैं? रेसिपी बताऊंगी मैं आज, एक इजी सी रेसिपी बताती हूँ जो कि स्पेशली जॉबियंस के लिए बहुत इजी रहती है, जैसे अचानक गेस्ट वगैरह आ जाएं, उसके लिए एक बहुत ही इजी सिंपल सा चिकन मैरिनेट की रेसिपी है। उसमें सबसे पहले आपने योगर्ट लेनी है, योगर्ट के अंदर आपने सबसे पहले रेड चिली ऐड करनी है, साल्ट, और उसके बाद ग्रीन चिली, साथ में आप पिसा हुआ ज़ीरा, ब्लैक पेपर, और इसके अलावा जो है लहसुन, अदरक और अनियन जो है ये आप चॉप करके उसमें ऐड कर दें। इसके बाद आप इसमें चिकन डालें, चिकन को अच्छी तरह योगर्ट में जो है ना मिक्स कर लें, और इसको 1 आवर के लिए रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर, 1/2 आवर के लिए फ्रिज में मैरिनेट कर लें। इसके बाद थोड़ा सा अनियन लेके उसको ब्राउन करें, और फिर उसमें जो है ना ये योगर्ट्स में जो है सारा चिकन डाल दें,
और चिकन को पकने के लिए ऐसा ऐसा इसको हल्की आंच पे पकाए हैं। थोड़ी देर में जो है ना आपकी चिकन मैरिनेट रेसिपी तैयार हो जाएगी। लाजवाब, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी, वेलकम। इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी रेसिपी बताई, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जी मैं मिसेस ज़िया बात कर रही हूँ, साइका। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो उसके पैदा होने के बाद बढ़ता नहीं, उसका साइज उतना ही रहता है? सॉरी, आँखें ही हैं मगर आँख का कौन सा हिस्सा नहीं बढ़ता? अंदरूनी। क्लैपिंग करें हमने, तालियां हमने, क्या शेयर करेंगे? जी मैं चिकन सूप के बारे में बताना चाहूँगी रेसिपी। जी चिकन सूप के बारे में, जो आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा पिया जाता है और हमारी फैमिली में, बच्चों में, घर में सब लोग शौक से पीते हैं। इसे बनाने की रेसिपी ये है कि सबसे पहले आप चिकन को उबाइल करें, उसके बाद उसको छोटे छोटे ज़रात कर लें और उसके अंदर आप अंडे फेंट कर डालें। उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस ये डाल के थोड़ी देर उबाइल करें और उसके बाद उसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल के उसको गाढ़ा करें और उसके बाद अपने बच्चों को भी पेश करें और ख़ुद भी खाएँ और इन्जॉय करें। फैमिली में सबसे शौक से कौन बनवाता है खाना? मेरे हस्बैंड। ओके, माशाल्लाह। कितने बच्चे आपके? दो बेटे हैं। बेटी नहीं है? नहीं, बेटी नहीं है। ओके, दिल करता है कि बेटी हो या ठीक है, खुश? हाँ जी, अब मेरी ये छोटी बेटी है, मेरी दरानी की बेटी, अब बहुत दिल करता है इसे देख के बेटी हो। चले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। वेलकम जी, इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई और ऐसा ही है, बेटी जो है उससे आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, बेटों से भी होते हैं। ये डिपेंड करता है, जो आपके पास नहीं होता तो उसकी जो है मोस्टली लोगों को वो डिमांड होती है। खैर, अब ये तो हो गई बात, अब जो है वो हम करते हैं किसी और से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आपका नाम? आमिर रजा। आपका नाम? साइन। कौन सी क्लास में हो? बताओ। आप क्या करते? मेरा गाड़ियों का काम है। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह तीन हैं। अकेला आया? नहीं, वो बेटी भी है साथ। आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम? सम्या। कौन सी क्लास? वन में। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन कौन से? फेवरेट सब्जेक्ट कौन, कोई पसंद है सब्जेक्ट? उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, कुछ पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है। चलो जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताएं आपके समंदर के ऊपर क्या है? क्या चीज? समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर? सॉरी, कोशिश करनी पड़ेगी, कोई सॉरी नहीं। समंदर के ऊपर क्या है? पानी। बीच में? बीच में फिश। बीच में जी? वो भी बीच में। ऊपर क्या है? ऊपर आसमान है। वो तो इधर भी है, कुछ और है। क्या सुनाएंगे? मैं बाबा भोले शाह का शेर सुनाऊंगा। ना कर बंदिया तेरी मेरी, जिंदगी ये चार दिन है फेरे मिट्टी दी तेरी। वेरी नाइस, क्या सुनाना है? बेबी बेबी यस पापा, आईटी शुगर ना पापा, टेलिंग लाई ना पापा, ऊपर इमान हा हा हा। मैं बेबी 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 यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग राय नो पापा, ऊपर मां हा हा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चे थे और दोनों जो है वो बेबी बेबी सुना रहे थे और ईटिंग शुगर में जब कहते हैं ओपन योर माउथ तो हा हा करते हैं, असल में अगर पकड़े जाएं बच्चे तो एक एक जब थप्पड़ लगता है तो ये हा हा नहीं हा हा करते हैं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। बेबी का नाम? फजर। ओके जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक ही बेटी है। ओके, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ओके जी, मॉल में किससे आना हुआ? बच्ची के लिए शॉपिंग करने आए थे, छोटे भाई की शादी है। अच्छा, मुबारक हो आपको। ओके, सवाल करते हैं जी। मुझे बताएं आपके वो कौन सा परिंदा जो उल्टा भी उड़ लेता है? उल्टा भी उड़ मतलब ऐसे की बजाय ऐसे को?
नहीं पता, कोशिश करें। परिंदे सारे सीधे उड़ते हैं, एक है जो उल्टा भी उड़ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ भी उड़ जाता है। नहीं क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुना दो। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, बहती है नींदें और नींदों में सपने, मिल जा कहीं समय से परे चल दे कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। ओके जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिव, शुक्रिया जी। ये गाना जो है सुरीली अखियों वाले, ये सलमान खान का जो है वो सॉन्ग है, यानी कि उन पर पिक्चराइज हुआ था एक ज़माने में, और ये गाना इतना फेमस हुआ था, जबकि मुझे एक इख्तलाफ है, आंखें सुरीली कैसे हो सकती हैं? सुरीला तो आई थिंक वो होता है ना जो बोलता है, तो उसकी वो बहुत अच्छी होती है तर्ज, या क्या कहते हैं सुर, सुर से सुरीला, तो आंखें कैसे सुरीली हो सकती हैं? या वो जो लोग कहते हैं आंखें बोलती हैं, तो जिनकी आंखें बोलती हैं उनकी आंखें सुरीली भी हो सकती हैं शायद जी। टाइम हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। ब्रेक